आईपीएल 2023 का आज 13 अप्रैल को 18वां मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। आज के इस मुकाबले संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट यहाँ हम आपको बताने आए हैं। आज का मुकाबला किन किन टीमों के बीच खेला जाएगा, आज का यह मुकाबला कितने बजे आरंभ होगा, आज के इस मैच में किस टीम के जीतने की संभावना है और आज के इस 18वें मुकाबले के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, हम यहाँ आपको बताने आए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज 18वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीम एक दूसरे के खिलाफ मोहाली में उतरेगी। आज यह मुकाबला दोनों ही टीम के बीच काफी रोमांचक होने की संभावना है। जहां तक आज के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा इसकी बात है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच सिर्फ दो मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एक में गुजरात को जीत मिली है तो एक में पंजाब किंग्स को जीत मिली है। इसलिए आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीमें बराबरी की टीम है, लेकिन आज के मैच में गुजरात टाइटंस के जीतने की संभावना है, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम अभी तक इस आईपीएल में 3 मुकाबला खेली है और 3 में उसे 2 में जीत मिली। आखिरी मुकाबले में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गुजरात टाइटंस की टीम जीती हुई बाजी हार गई थी। आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम केकेआर के खिलाफ हार गई थी, लेकिन यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा था और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम जीत की प्रबल दावेदार थी, लेकिन आखिरी मौके पर केकेआर की तरफ से आए रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंद पर 5 छक्का मारकर गुजरात के हलक से जीत छीन लिया था। इसलिए गुजरात की टीम अभी तक इस आईपीएल में शानदार फॉर्म में है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम भी अभी तक 3 मुकाबला खेली है और 3 में उसे 2 में जीत मिली है। अपने आखिरी मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम सनराइजर हैदराबाद की टीम के खिलाफ एक तरफे अंदाज में हार गई थी, जबकि इस मैच में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने 99 रन की शानदार पारी खेली थी। शिखर धवन के इस पारी के बावजूद भी एक तरफे अंदाज में सनराइजर से हार इस बात का सबूत है कि आज मोहाली में अपने होम ग्राउंड में भी गुजरात टाइटंस के सामने पंजाब किंग्स की टीम को जीतने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आज के मैच को लेकर दोनों ही टीम के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहली खबर यह है कि आज गुजरात टाइटंस की तरफ से नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की वापसी हो सकती है, लेकिन एक और अच्छी खबर गुजरात टाइटंस के लिए है कि गुजरात टाइटंस के टीम में आज एक विस्फोटक ऑलराउंडर शामिल होने वाले हैं। दरअसल T20 के स्पेशलिस्ट श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका भारत पहुंच चुके हैं और आज गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 में उनके शामिल होने की पूरी संभावना है। तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब किंग्स को कई मौके पर अकेले दम पर जिताने वाले लियाम लिविंगस्टोन आज पंजाब किंग्स से जुड़ चुके हैं और आज पंजाब किंग्स की तरफ से उनके प्लेइंग 11 में खेलने की पूरी संभावना है। लियाम लिविंगस्टोन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। इसलिए आज जब मोहाली में पंजाब किंग्स की टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ उतरेगी तो पंजाब किंग्स का मनोबल काफी हाई होगा, लेकिन आज के इस मैच में टॉस अहम फैक्टर होगा, क्योंकि मोहाली के इस पिच पर जो टीम पहले गेंदबाजी करती है और लक्ष्य का पीछा करती है उस टीम का जीत का रिकॉर्ड शानदार है। यहां पर दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीत का रिकॉर्ड 80% है, इसलिए आज टॉस जीतकर कोई भी टीम पहले क्षेत्ररक्षण करना चाहेगी। आज का यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर आरंभ होगा, जिसे आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं और इस मुकाबले को आप जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस मुकाबले को लाइव नहीं देख पाते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीएल के सभी मैचों का परिणाम हमारे इस चैनल पर सबसे पहले आपको उपलब्ध कराया जाता है।